हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्यास नाटक। और इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपका एक नया सब्जेक्ट उसके बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHIC 134। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी, जिसका नाम है 18वीं सदी की व्याख्या, इग्नू वाले बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी 18वीं सदी की व्याख्या, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये आपका पूरा इंडेक्स है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर परिचय की। परिचय में हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे परिचय वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पर कि मुगल साम्राज्य का वर्चस्व, यानी मुगल साम्राज्य क्या था, ताकतवर था। मुगल साम्राज्य ने क्या किया, राज किया। कब तक, भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर, यानी कि भारत, पूरे भारत पर आप मानो, ठीक है, पूरे भारत पर जो है मुगल साम्राज्य का वर्चस्व रहा, और वो भी लगभग 3 शताब्दियों तक, यानी कि लगभग आप समझ सकते हो इसको, लगभग 300 सालों तक इनका जो वर्चस्व है ये भारत पर कायम रहा। 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य की शक्ति में तेजी से कमी आई। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 18वीं सदी के मध्य में मुगल साम्राज्य की जो शक्ति है वो कम होने लग गई। मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी उसमें कमी आने लग गई। मुगल साम्राज्य का जो है वो पतन होने लग गया, ठीक है। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और साम्राज्य जो है सभी भागों में स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लग गया। यानी मुगल साम्राज्य की जो शक्ति है वो खत्म हो गई और जो नए नए जो राज्य हैं वो स्वतंत्र राज्य बनकर उभरने लग गए, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सामने वो है 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि उस समय क्या विशेषताएं हो रही थी, क्या अलग बातें हो रही थी, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। यहाँ पर देखिए, इस समय मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ, ठीक है। इस समय क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ, अलग अलग टुकड़ों में वो टूट गया, जिससे क्षेत्रीय और छोटी छोटी सत्ताओं में वो क्या हुआ, बट गया। तो इससे क्या होता है, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, भारत के जो व्यापारिक जीवन थे, व्यापार से संबंधित जो चीज़ें थी उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करें 18वीं शताब्दी की और 17वीं शताब्दी की, तो इन दोनों के बीच अगर हम तुलना करें तो आर्थिक विस्तार हुआ और भारत के जो समुद्री व्यापार थे उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। अब समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई, उस समय आपको पता है जो व्यापार जो था वो समुद्र से कनेक्ट होकर चला करता था, यानी कि वो राज्य ज़्यादा धनी हुआ करते थे जिनकी जो सीमाएं थी वो समुद्र से जाकर मिलती थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर समुद्र का जो है व्यापार करने का जो साधन है वो उपलब्ध हो, तो इसी कारण से क्या हुआ, उस राज्य की तरक्की हुई। प्लस में वहाँ पर क्या हुआ, भारत में भी काफ़ी उस समय जो धन है वो आया था, क्योंकि समुद्री व्यापार में जो है वो वृद्धि हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक अलग यहाँ पर टॉपिक के ऊपर में, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है मुगल साम्राज्य का पतन। यानी मुगल साम्राज्य, इसमें हम देखेंगे कि पूरा का पूरा क्या है, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, कैसे पतन हुआ उसका, क्या कारण थे, और 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन होने के पीछे क्या कारण है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विदेशी आक्रमण है या शांति और सुरक्षा का अभाव था, क्या कारण था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इरफान हबीब ने। इरफान हबीब ने मुगलों द्वारा वसूल की जाने वाली राजस्व राशि को वश में कर लिया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, राजस्व राशि यानी कि जो टैक्स दिया जाता था उस राशि को यहाँ पर वश में किया गया, और साम्राज्य की रक्षा के लिए, यानी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी सेनाओं को रखा गया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर देखोगे, जब टैक्स को कोई बंदा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और उसको उस काम टैक्स के पैसे से बड़े बड़े काम होते हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उससे क्या है, ज़्यादा राजस्व की यहाँ पर क्या है, ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जब टैक्स बढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब टैक्स बढ़ाया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टैक्स देने वाले हैं उनकी जो स्थिति है वो ख़राब होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, राजस्व की दर बढ़ गई। अब यहाँ पर राजस्व जो लिया जाता था, ठीक है,
उसकी भी दर बढ़ गई, अब ज़्यादा लिया जाने लगेगा, सिंपल सी बात है। और राजस्व की वसूली के कारण, अब राजस्व किससे लिया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, किसानों से। तो किसानों की स्थिति जो है वो खराब हो गई, किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय हो गई। अब किसान क्या करेंगे जब उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, और वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर उनकी स्थिति खराब होगी, तो अब किसान क्या करेंगे। किसान ने कर दिया विद्रोह, ठीक है, किसान ने विद्रोह कर दिया और कई सारे किसान खेत छोड़कर भी भाग गए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की जो स्थिति है वो बन गई थी। यहाँ पर आप शुरुआत समझ सकते हो पतन की। सतीश चंद्र के अनुसार साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण था, अब देखिए सतीश चंद्र क्या कहते हैं। सतीश चंद्र के अनुसार साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण, मतलब किसको वो प्रमुख कारण मानते हैं कि साम्राज्य का पतन इसी कारण से हुआ है, तो उनका जो प्रमुख कारण है वो है अधिकारियों द्वारा जागीर प्रथा को सही तरीके से ना चलाना, यानी चलाने में असमर्थता। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि जो अधिकारियों की गलती थी, ठीक है, सतीश चंद्र का कहना ये है कि जो अधिकारी उस समय प्रथा को चला रहे थे वो सही ढंग से नहीं चला पाए, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, साम्राज्य का पतन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एंड द मुगल कोर्ट, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, अपनी रिसर्च लिखी थी, ठीक है, जो सतीश चंद्र रिसर्च किया करते थे वो इन्होंने इसके अंदर लिखी, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या कहना है वो समझिए। 1707 से 40 में मुगल साम्राज्य की प्रकृति और पतन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इन्होंने, ठीक है, और उस रिसर्च को इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक में लिखा। तो उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, इस व्यवस्था में उन्होंने ये बताया कि मुगल व्यवस्था में मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी, ठीक है, ये आपको पता है कि जो मुगल व्यवस्था थी उसके अंतर्गत मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी, प्लस में क्या था कि उन्हें सैनिक रखने की भी अनुमति दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो सतीश चंद्र के अनुसार औरंगजेब अपने अंतिम वर्षों में इस व्यवस्था को सही से चला नहीं पाए, ठीक है, इस व्यवस्था को बनाए रखने में वो असफल हो गए। तो यहाँ पर सतीश चंद्र का ये कहना है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो है जो बात करी यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पर है सतीश चंद्र के अनुसार। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि शांति और सुरक्षा का अभाव, तो क्या ऐसी बात थी कि यहाँ पर शांति और सुरक्षा की कमी थी। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है ये बात थी, क्योंकि आपको याद होगा जो मुगल साम्राज्य है, यहाँ की जो जनता है वो मुगल साम्राज्य से खुश नहीं थी, क्योंकि ये जो साम्राज्य बसाया गया था ये सैनिकों के दबाव के ऊपर, मतलब बसाया गया था सैनिक बल पर, आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन का एक और कारण था, वो था शांति और सुरक्षा की कमी, यानी कि यहाँ पर शांति नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर जो विवाद है वो होते रहते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो जनता थी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना सैनिक और शक्ति बल पर हुई थी, ठीक है, यानी कि दबाव में। बाबर और जो हुमायूं थे, बाबर और हुमायूं को भारतीय जनता विदेशी मानती थी, उनको लगता था कि जो विदेश से जो कोई बंदा है वो यहाँ पर आ गया है और वो हमारे ऊपर क्या है, हुकूमत कर रहे हैं। एक अच्छा राज्य, एक राजा तभी चला सकता है जब राजा अपने जनता के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि पहले के समय क्या होते थे, जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो भारतीय हुआ करते थे, तो जो भारत के जो लोग थे उनसे कनेक्ट हुआ करते थे और वो भारतीयों की प्रॉब्लम जो है वो समझते थे, तो उनका जो काम है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता था। तो ये सारी जो चीज़ थी वहाँ पर थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विदेशी आक्रमण, इसको समझते हैं थोड़ा। आंतरिक असंतोष का फायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि अंदर भी विद्रोह हुआ होते रहते थे, जो थोड़ी थोड़ी जो बातें थी वो हुआ करती थी, अशांति का माहौल था, यानी आप कह सकते हैं इसको आंतरिक असंतोष, ठीक है। तो उसका जो फायदा है वो विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया, जो आक्रमण करते रहते थे उन्होंने उठाया। तो जनधन की हानि होने के बाद भी जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा था अच्छे तरीके से। तो हुआ क्या, जब तक फारस गृह युद्ध में उलझा रहा, ठीक है, यानी कि जब तक फारस में गृह युद्ध चलता रहा उस समय तक कोई दिक्कत नहीं हुई,
लेकिन मुगल साम्राज्य पर किसी प्रकार का विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, यानी कि जब तक फारस में जो है गृह युद्ध चलता रहा सब कुछ ठीक रहा, विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, 1736 में गृह युद्ध से मुक्त होने के बाद मुगल साम्राज्य पर सैनिक अभियान चलाए गए। आप समझ रहे हो यहाँ पर बात, यानी कि जब तक उनके खुद के जो मामले थे यहाँ पर गृह युद्ध में उलझे रहे तब तक ठीक था सारी चीज़ें, लेकिन जब वो अपने गृह युद्ध से मुक्त हुए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर साम्राज्य पर सैनिक अभियान जो है वो चला दिया। अब नादिर शाह ने क्या किया, 1738 में भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1339 में मुगल सेना बुरी तरीके से हार गई। अब मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर नादिर शाह क्या हुआ, दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। और नादिर शाह की क्रूरता से, ठीक है, नादिर शाह आपको पता है, ठीक है, तो नादिर शाह की क्रूरता से मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट गई। आर्थिक रीढ़ का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब पैसों से संबंधित बहुत ज़्यादा इनको क्या है, हानि हुई, ठीक है। और काबुल, सिंध और पंजाब पर फारस वालों का अधिकार हो गया, ठीक है। और ऐसी ऐसी क्या हुआ, मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर पतन जो है वो हो गया, ठीक है। तो यही सारे जो कारण है इनको ही जो है यहाँ पर माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। साथ ही इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो अगर कोई आपको पूछना हो तो क्वेश्चन वगैरह। बाकी आपका जो यूनिट है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पसंद आई अगर आपको वीडियो तो आप कर सकते हो एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ, साथ ही सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा आप उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली यूनिट में।